मेरा नाम जगदीप सिंह है, मैं रोहतक सेक्टर 3 से आया हूँ। मेरा पिछले सैटरडे को ही एक स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हो गया था। ट्रीटमेंट लेने के लिए मैं कायनाज हॉस्पिटल में आया, डॉक्टरों से कंसर्न किया, उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया। एक्सरे के अंदर थोड़ा कुछ ऐसा मिला नहीं, उन्होंने फिर मेरा MRI करवाया। MRI कराने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा नहीं तो आपको ट्रीटमेंट देंगे। अभी फ़िलहाल मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे, अच्छा है। यानी कि डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा है, नर्स और जो भी स्टाफ यहाँ पे, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। सभी के सभी यानी कि कोऑपरेट करते हैं। और हॉस्पिटल के बारे में मैं इतने ज़्यादा और क्या बताऊँ। खाना देख लो आप, सफाई देख लो, कोई भी चीज़ है वो आपको हर चीज़ में यानी कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट लाइन ही आया हूँ, इससे पहले मैं 25 दिसंबर 2022 को ही अचानक ही मुझे क्या, उस टाइम ठंड ज़्यादा थी और मेरे को सांस लेने का भी दिक्कत हो गई थी। तो उस दिन भी 25 को संडे था, एमरजेंसी के अंदर में आया। एमरजेंसी ने फटाफट मुझे उसी टाइम ही जो कि सुविधा देनी थी, ऑक्सीजन जो भी था फटाफट दिया। और डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं उसी टाइम, उन्होंने उसी टाइम मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और अपने ऊपर वाले डॉक्टरों से भी करके और मुझे उसी टाइम एडमिट किया और मुझे अच्छी तरह यानी कि केयर की मेरी। ये नहीं कि भी कोई वो भेदभाव वाली बात नहीं, नहीं ऐसी कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी केयर करते हैं डॉक्टर। और टाइम टू टाइम, ये नहीं कि एक बार आ गए और दोबारा पेशेंट को पूछते नहीं है, टाइम टू टाइम, मॉर्निंग में अलग, आफ्टरनून में अलग, इवनिंग में अलग, तीनों टाइम आके डॉक्टर चेक करते हैं, पूछते रहते हैं आपको क्या मिले। नर्सिस का तो आपको डे नाइट का, वो आप मेरे सामने बेल लगी हुई है उसको एक बार बजाओ, नर्स उसी टाइम नर्सिंग स्टाफ फटाफट आता है। वो बाकी यानी कि मैं सभी को बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि आपको निराशा करे, सभी सहयोग करने वाले हैं। थैंक यू।